मैं कल्पना वर्मा। नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑल्सो आ पब्लिसिटी, ये तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन नेगेटिव पब्लिसिटी पॉजिटिव पब्लिसिटी से कहीं ज्यादा असरकारक है। ये तनिष्क के मामले में सच भी साबित होता है। जी हाँ, आपने तनिष्क का एड तो जरूर देखा होगा, जिसमें एक मुस्लिम सास अपनी हिंदू बहू की गोद भराई की रस्म अदा करती है। इस एड के साथ ही तनिष्क पर लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप लगता है, मामला तूल पकड़ता है। इतना ही नहीं, बायकॉट तनिष्क भी ट्रेंड करने लगता है। लेकिन अब जो तनिष्क ने बयान दिया वो आपको यकीनन चौंका के रख देगा। जैसा कि तनिष्क ने अपने तथाकथित आपसी सौहार्द को बढ़ाने वाले विज्ञापन को तो हटा लिया, लेकिन फिर भी तनिष्क पर कई तरह के सवाल उठे कि आखिर क्यों हमेशा मुस्लिम समाज को ही सौहार्द बनाने वाला और हिंदू समाज को सौहार्द बिगाड़ने वाला दिखाया जाता है। वैसे देखा जाए तो लव जिहाद के लगातार बढ़ते मामलों के चलते लोहा अभी गर्म है और इस पर तनिष्क ने हथौड़ा मारने का काम किया है। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब इस कड़ी में तनिष्क ने नया शिगुफा छोड़ा है। जिस तनिष्क के आउटस्टोर के आगे कल तक धरने किए गए, बायकॉट ट्रेंड हुआ, उसी तनिष्क का कहना है कि उसकी बिक्री अब पहले से ज्यादा हो रही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो कैसे और क्यों से हटकर आपको तनिष्क के विज्ञापन अभियान को तैयार करने वाली एजेंसी व्हाट्स योर प्रॉब्लम के मैनेजिंग पार्टनर और क्रिएटिव हेड अमित को सुनना चाहिए। उनका कहना है कि विवाद खड़े होने के बाद अधिक संख्या में लोगों ने ब्रांड के विज्ञापन को देखा है, जिससे कंपनी की लोकप्रियता बढ़ी, लिहाजा अब तनिष्क के प्रोडक्ट्स के खरीदारों की संख्या भी बढ़ गई है। विज्ञापन के विवाद से एक ऐसा रुझान पैदा हुआ जहां कई लोग अपनी राय जाहिर करने के लिए तनिष्क के उत्पाद खरीद रहे हैं। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि टाटा समूह अपने 55 सेकंड के तनिष्क विज्ञापन का बखान कर रहा है, जिसे लेकर वो खुद माफी मांगने के बाद बंद करवा चुका है। क्या सच है क्या झूठ, उसके लिए तो समझदार को इशारा ही काफी होता है, क्योंकि अपनी राय जाहिर करने के लिए हमारे लिए तो तनिष्क खरीद पाना मुनासिब नहीं है। खैर, आपकी राय में क्या असल में तनिष्क को इस विज्ञापन से फायदा हुआ है या नुकसान, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। देखते रहिए द बोलती बंद, क्योंकि अब देश बोलेगा।